नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि भारत में पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करें। ये चीज़ बहुत ही आसान है लेकिन लोग नहीं जानते हैं, इसलिए एजेंट के थ्रू काफ़ी पैसे देकर बनवाते हैं। लेकिन हम आपको ये तरीका बताने जा रहे हैं, वो सब चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि ज़रूरत होता है एक पासपोर्ट बनाने के लिए भारत में। तो आप ये वीडियो ट्यूटोरियल को वॉच कीजिए और हम जो कह रहे हैं वो फॉलो कीजिए। आप बहुत ही जल्दी जो निर्धारित समय है उसमें आप पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। सबसे पहले दो तरीके होते हैं पासपोर्ट के, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ऑफलाइन के लिए आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र होते हैं जगह जगह पे बड़े शहरों में, वहाँ जाकर अप्लाई करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो वो उससे बेहतर है कि ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, जल्दी से जल्दी मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, दो तरह के पासपोर्ट होते हैं, एक तत्काल और एक नॉर्मल अप्लाई कर सकते हैं आप। नॉर्मल जो है वो एक महीने के अंदर मिलता है और उसका चार्ज होता है 1,500 रुपये। और दूसरा तत्काल जो होते हैं वो आपको 3 से 1 सप्ताह के अंदर मिल जाएगा और उसका चार्ज होता है 3,500 रुपये। दो तरह के होते हैं। 36 पेज के ये मैंने रेट बताया, 60 पेज का और थोड़ा ज़्यादा होता है रेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो तरीका हम बताने जा रहे हैं वो आप फॉलो कीजिए और आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। आप गूगल ओपन कीजिए और उसमें टाइप कीजिए पासपोर्ट। ओके, अप्लाई के टाइप करने के बाद आपको एक साइट आएगा passportindia.gov.in, इसको इस पर क्लिक कीजिए और एक्सेस कीजिए। इस टाइप का ये साइट खुलेगा आपके सामने। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर बटन पर क्लिक कीजिए। जब रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो एक पूछा जाएगा आपसे, आपका नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कीजिए, इसमें नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ जो भरना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना बनाइए और सबमिट कीजिए। रजिस्टर जैसे ही करेंगे तो आपके रजिस्टर करने के साथ ही आपके ईमेल पे आपको एक कन्फर्मेशन लिंक आ जाएगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, आपका ईमेल आईडी पूछेगा और एक्टिवेट हो जाएगा। और ये मैसेज एक दोबारा आएगा कि अकाउंट एक्टिवेशन सक्सेसफुली, ऐसा मैसेज आएगा। आप अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए दोबारा और उस पर लॉगिन करने, यहाँ पे आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। होम पे जाइए और जाके लॉगिन कीजिए यहाँ से। इधर एक्चुअली मैं लॉगिन इन ऑलरेडी हूँ इसलिए ऐसा दिखा रहा है। लॉगिन कीजिए साइट पे जाके। आपसे पूछा जाएगा कि ऑप्शन अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद नॉर्मल 36 पेज और नेक्स्ट कीजिए। ये सारे डिटेल्स आपको भरने होंगे यहाँ पे, अपना सारा डेट ऑफ बर्थ जो भी है ये सब भरने होंगे। ये सारे भरने के बाद फैमिली डिटेल्स, सारे चीज़ सही से बिल्कुल, फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस, ओके, और फिर रेफरेंस एड्रेसेस तो देने होंगे आपको। उसके बाद आप कभी अप्लाई किए हैं कि नहीं, पासपोर्ट वगैरह ये सब पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत आसान से, आपको दिखाया जाएगा लास्ट में कि ये डिटेल्स जो है आप भर रहे हैं वो देख लीजिए आप कहीं गलत तो नहीं है। फिर नेक्स्ट कीजिए और नेक्स्ट करने के बाद डिक्लेरेशन है, आप अपना जगह डालिए और आप SMS सर्विस के लिए एक्टिवेट करना चाहते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है तो उस पर भी क्लिक कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। और सेव करके आप सबमिट कीजिए। तो दोस्तों, अब ये फाइनली हम फॉर्म सबमिट करेंगे। ओके, और सबमिट करने के बाद देखेंगे क्या आता है। हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया और हमें एक रेफरेंस नंबर दिया गया है। और अब आपको इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा, आपको एक डेट लेना होगा जिसमें कि आप जाके अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके और एक चालान में जमा करके। तो बेहतर होगा ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए नेक्स्ट कीजिए, आप बैंक से अपना पेमेंट वगैरह कीजिए। पेमेंट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे, उसमें रहेगा कि आप किस तारीख को अपॉइंटमेंट दिखाएगा, डेट दिखाएगा, समय दिखाएगा, आप उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए और जल्दी से उसमें से फाइनलाइज कर लीजिए। उसके बाद आपको एक प्रिंट आउट आएगा, उस पर आप लिखा रहेगा आपका अपॉइंटमेंट डेट और टाइम। उस दिन आपको जाना होगा पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, एड्रेस जो एड्रेस लिखा रहेगा उस पर, उस समय पे तारीख पे जाकर अपना सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। और
वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। सबसे पहले तो आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको बैठाया जाएगा, उसके बाद आपको आपका जो फाइल नंबर है उसे बुलाया जाएगा, जो नंबर दिया गया आपको। बुलाने के बाद आपको टोकन दिया जाएगा, आपका सिक्योरिटी चेक किया जाएगा, करने के बाद आपको टोकन दिया जाएगा और अंदर जाएंगे आप, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे काउंटर पे। एक दूस उसके बाद वहाँ से पूरा होने के बाद दूसरे काउंटर पर भेजा जाएगा, जहाँ पे कि आपका वेरीफाइड सारे जो डिटेल्स हैं उसको प्रिंट आउट आपको दिया जाएगा, आप साइन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कंडीशन, आपका फिंगरप्रिंट्स लिया जाएगा और फोटोज़ लिया जाएगा, जो कि सब आप बोलेंगे कि सही है, तो आप सिग्नेचर करके और एक्सेप्ट करके टर्म कंडीशन उन्हें देंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। तीसरा स्टेटस जो है उसका, थर्ड काउंटर पे जाएंगे आप, उसके बाद वहाँ पे जो ऑफिसर होगा उसके हाथ में रहता है कि आपका जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए, आपको ग्रांट किया जाए या नहीं किया जाए। तो पुलिस वेरिफिकेशन तो होगा ही, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है आपको। अब वहाँ से स्टेटस अगर सब कुछ ज़रूरत नहीं है तो आपको वो वहाँ ओके कर देगा और आपका पासपोर्ट प्रिंट होके आपके घर चला आएगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो होता है कि आपको वेरिफिकेशन पुलिस करना होगा, तो आप घर चले जाएंगे, आपको एक प्रिंट आउट दिया जाएगा, उसके लेके आप घर चले जाएंगे। और उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपको पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आपके घर पुलिस आएंगे, आप जो एड्रेस है उससे जानकारी करें, कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है इनका, कितने साल से यहाँ रह रहे हैं, ये सब वगैरह पूछेंगे। उसके बाद फाइनल करने के बाद आपसे कुछ पैसे वैसे थोड़ा बहुत लेंगे अगर वो बेईमान होंगे तो, और फाइनली वो ओके कर देंगे आपको, जैसा आपका सर्विस है उसके हिसाब से आपका पासपोर्ट आपके घर पे आ जाएगा। तो इतना ही कुछ लगता है दोस्तों। सो एजेंट के चक्कर में जाइए, अपना खुद से अप्लाई कीजिए और पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, बहुत आसान तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और क्योंकि इस पे हम समय समय पे अच्छे वीडियोस लोड करते रहते हैं जानकारी से प्राप्त। शुक्रिया।